नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो स्वागत आहे आपलं मराठी क्लासेस या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत प्रथम सत्रांत परीक्षा दोन हजार चोवीस पंचवीस इयत्ता आठवी विषय हिंदी संकलित मूल्यमापनाचा आपला हा पेपर असणार आहे एकूण पन्नास गुणांचा आपला हा पेपर आहे यामध्ये सर्वात पहिले आपण शाळेचं नाव लिहायचं आणि नंतर विद्यार्थ्याचं नाव लिहायचं यामध्ये आपण प्रश्न आणि उत्तरे दोन्हीही पाहणार आहोत त्यामुळे आपण व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत नक्की बघायचा आहे व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करायचा आहे आणि हो आपण जर चॅनलवर नवीन असताल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला येणाऱ्या परीक्षेमध्ये या व्हिडिओचा नक्कीच फायदा होईल त्यामुळे व्हिडिओ आपण अगदी शेवटपर्यंत नक्की पाहायचा आहे तर आता सुरू करूया आजचा पेपर यामध्ये सर्वात पहिले आपल्याला इथे काही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत तर त्या सूचना आपण अगदी योग्य आणि काळजीपूर्वक वाचून घ्यायच्या आहेत ठीक आहे टिकून आपल्याला तीन सूचना या दिलेल्या आहेत यानंतर आपल्या इथे सुरू होईल विभाग क्रमांक एक गद्य विभाग त्यामध्ये परिचित क्रमांक एक आहे तर प्रश्न क्रमांक एक अ पठित परीक्षेत पडकर दिली के अनुसार कृतीया पूर्ण कीजिए कृति क्रमांक एक सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए एक गुण दोन गई तो उत्तर भिगो कर, कर पका कर तो उत्तर भुनवा कर सौ में उन्हें कर, खा गई इसके पश्चात दो तुम ही मेरे राज्य के सच्चे डैश हो तो रानी उत्तर अधिकारी तो उत्तर उत्तर अधिकारी तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तर अधिकारी हो इसके पश्चात कृतिक क्रमांक दो परिणाम लिखिए तो पहला गेहूं के दानों को बोने का परिणाम उत्तर लाखों लाख दाने में रूपांतर तथा दूसरा सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम तो उत्तर राजा निश्चिंत तो हो गया इसके पश्चात हमें यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है राजा ने अब चौथी तथा सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा उसने बेपरवाही से जवाब दिया देखिये आज पर जो हमें गद्यांश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि हमारा पेपर में इतना सब समय बच जाएगा कृति क्रमांक शब्द संपदा पहला निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए एक फसल तो उत्तर फसले तथा दूसरा हवा तो उत्तर हवाए दो परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए बेपरवाही उत्तर हरी भरी ठीक है तो बेपरवाही तथा हरी भरी इसके पश्चात कृति क्रमांक चार स्वमत अभिव्यक्ति अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित एक घटना हमें यहाँ पे लिखनी है इसके पश्चात परिच्छेद क्रमांक दो पठित परिच्छेद पढ़कर कर दिए गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया पूर्ण कीजिए आकृति पूर्ण कीजिए लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा था तो उत्तर उत्सवों में संगिष्टियों में एवं सम्मेलनों में, में लेखक ने डॉक्टर राजकुमार वर्मा को देखा था इसके पश्चात कृति क्रमांक दो उत्तर लिखे पहला लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार और कैसे होंगे डॉक्टर कैसा होगा उनका व्यवहार तथा दो डॉक्टर राजकुमार यहाँ चलते यहाँ रहते थे तो उत्तर प्रयाग में तो डॉक्टर राजकुमार प्रयाग में रहते थे इसके पश्चात हमें यहाँ पर जो गद्याश दिया गया है उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है वीडियो पॉज करना है और पूरा गद्यांश हमें अच्छे से पढ़ लेना है फिर इसके पश्चात कृति क्रमांक तीन शब्द संपदा पहला निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए एक नौकर उत्तर सेवक तथा दूसरा मुलाकात उत्तर परिचय इसके पश्चात दो निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए व्यवहार व्यवहार पूर्ण तथा विचार विचार विमर्श कृति क्रमांक चार स्वमत अभिव्यक्ति उत्तम साहित्य के संगोष्ठी के लिए सम्मेलन आवश्यक है इस विषय पर अपने विचार लिखे तो दोस्तों हमारा यहाँ पे स्वमत का प्रश्न है तो हमें यहाँ पे इसका उत्तर खुद से लिखना है इसके पश्चात विभाग क्रमांक दो पद्य विभाग प्रश्न पद्यांश क्रमांक एक प्रश्न क्रमांक दो पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतिया कीजिए कृति क्रमांक एक कृति पूर्ण कीजिए कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है तो मन तथा देह माई समुद्र पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको वे में चरण दबाऊ सेवा में, में तेरी माता मैं में भेद कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊ तेरे ही काम आओ तेरा ही में मंत्र गाऊ मन और देह में तुम पर बलिदान में जाऊँ ठीक है ऐसा हमें पे कृत्यांश दिया गया है कृति क्रमांक दो एक शब्द में उत्तर लिखे पहला मातृभूमि के चरण धोने वाला तो उत्तर समुद्र तथा दो प्रतिदिन सुनने तथा सुनाने योग्य नाम तो उत्तर पुण्य नाम इसके पश्चात कृति क्रमांक तीन शब्द संपदा एक निम्नलिखित शब्द के, के पर्यावाची शब्द लिखे माता माई चरण पाव दो निम्नलिखित शब्दों के लिए प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए बलिदान बलिदानी पुण्य पुण्यशील कृति क्रमांक चार स्वमत अभिव्यक्ति मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है इस विषय पर अपने विचार आप हमें स्पष्ट करने हैं इसके पश्चात पद्यांश क्रमांक दो पटित पदाइश पढ़ कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए कृति क्रमांक एक प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है तो उत्तर रोशनी के रंग घोलना सीख लें दो मीठी बोली बोल मीठी बोली के गुल रोपना सीख लें तीन मोड़ना सीख लें तथा चार मुंह खोलना सीख लें तो इस तरह से हमें कवि ने इन बातों से सीखने के लिए कहा है पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए कटु वचन तो सदा होते ही काटें मीठी बोली के रूप बोलना सीख लीजिए तो इस तरह से हमें कवि ने यहाँ पे बताया है इसके पश्चात क्रमांक दो कविता में आए अर्थ शब्द चुनिए कड़वे चुभने तथा आवश्यक जरूरत कृति क्रमांक तीन उत्तर लिखिए कांटे बोने वाला कटु वचन तथा दूसरा फटने वाले तो फटाके कृति क्रमांक चार भावार्थ लिखिए कविता की अंतिम चार पंक्तियों का अर्थ लिखिए इसके पश्चात विभाग क्रमांक तीन भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग प्रश्न क्रमांक तीन सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए तो एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए हमेशा राम हमेशा पाठशाला में आता है तथा दूसरा निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए उनके भेद लिखिए सिर्फ एक तो रामायण राम अधिक यन तो तथा दूसरा कक्षा तो क अधिक क्षा इसके पश्चात तीन नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द चाट भेद लिखिए सिर्फ एक हमें यहाँ पे लिखना है तो पहला है हमें लगभग दस फीट का पुल बनाना है तथा दूसरा हमें और हम इसके पश्चात दो जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए पेड़ पर पीला आम लग गया तो पीला तथा गुण विशेष तथा वह मेरी बहन है तो बहन व्यक्ति विशेष इसके पश्चात पांच नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया का काल पहचान कर लिखिए सिर्फ एक घर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे भविष्य काल तथा दूसरा राजा साहब के सिर्फ सास चलती रहती थी तो भूतकाल विभाग क्रमांक चार उपयोजित लेखन रचना विभाग सूचना के अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पत्र लिखना है तथा इसके पश्चात हमें यहाँ पर जो कथा दी गई तो यह कथा हमें पूरी करनी है और तीन है निबंध लेखन तो मेरे सपनों का भारत विज्ञान की चमत्कार मेरा प्रिय त्योहार और यातायात की समस्या यह हमें इसका निबंध लिखना है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए धन्यवाद